हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम टेलर में। दोस्तों आज हम सीखेंगे चाक पट्टी बनाना साइड की। इस तरह की चाक पट्टी बनाएंगे आज। इसे एक साइड से रखते हैं। ये दोनों आस्तीन है हमारी, इन्हें एक पल्ले को हम नीचे वाले को डालेंगे इस तरह से, और इसमें अटैच करेंगे चाक पट्टी। इस तरह से हमने चिपका रखनी है चाक पट्टी, और इसे हम इस तरह से एक पैर का दबाव लेते हुए अटैच करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें इस वाले पल्ले को फोल्ड करना है इस तरह से, सेम इस तरह से, इसी तरह से सेम हमें दूसरी आस्तीन को भी फोल्ड करना है। ये हमने सामने बनानी है चाक पट्टी, तभी उल्टी नहीं बनेगी, वरना लोगों की उल्टी चाक पट्टी बन जाती है। तो हमें एक साथ में ही बनानी है दोनों, तभी सीधी बनेंगी। पतला वाला पल्ला जो है वो सामने आना चाहिए, और चौड़ा वाला है वो आमने सामने आना चाहिए, तो हमारी सीधी बनेगी चाक पट्टी। अब हम इसे भी चाक पट्टी को अटैच करेंगे इस तरह से। ये हमने दोनों चाक पट्टी अटैच कर ली है, और यहाँ से हम कट करेंगे धागे को, और इसके बाद में इसे सीधा करेंगे इस तरह से। सीधा करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हमें लपकी सिलाई लगानी है। लपकी सिलाई बिल्कुल किनारे से लगानी है हमें इस तरह से। यहाँ पर हमें टाँका लगाना है, जहाँ पर जोड़ होता है वहीं से हमें टाँका लगाना है। और इसकी चाक पट्टी की जो नोकें हैं तीन, हमें हर नोक पर सुई को रोकना है और अच्छे से टाँके निकालने हैं यहाँ से। अब इस पल्ले को फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर भी। ये हमारी एक चाक पट्टी बन चुकी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी चाक पट्टी को तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, ये चाक पट्टी बन चुकी है। अब हमने दूसरी आस्तीन को भी रखा इसी तरह से, सीधा किए से, और इस तरह से इसके ऊपर से भी हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से बनानी है जैसे हमने वो वाली बनाई थी। टाँके दोनों के बराबर होने चाहिए इस तरह से। यहाँ पर हमें टाँका लगा देना है, और तीनों नोकों पर हमें सिलाई रोकनी है इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा हल्के मशीन चलाना पड़ता है। इस तरह से इस आस्तीन को एक तरफ से फोल्ड कर लिया हमने, और दूसरी तरफ से इस तरह से लगा ली सिलाई। ये हमारी दोनों आस्तीन बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से। और फुल सेट की वीडियो देखने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर फुल सेट की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चाक पट्टी बनाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।